बैटरीज के क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में से। क्वेश्चन क्या पूछा है हमको, राइट द केमिस्ट्री ऑफ रीचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी हाइलाइटिंग ऑल द मटेरियल्स दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग रीचार्जिंग। क्या तो लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है, एक सेकेंडरी बैटरी है ये जो इन्वर्टर में यूज़ होती है। सेकेंडरी बैटरी वो होती है जिसको आप दोबारा से चार्ज करके यूज़ कर सकते हो। प्राइमरी बैटरी वो होती है जिसको आप एक बार चार्ज करो, एक बार यूज़ कर लिया दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पूछा है कि जब आप उसको रिचार्ज करोगे, मतलब आप उसको एनर्जी दे रहे हो लेड स्टोरेज बैटरी को, तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो हम देखते हैं लेड स्टोरेज बैटरी होता क्या है। लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड क्या होता है, लेड। कैथोड क्या होता है, ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड, मतलब पीबी प्लस पीबी ओ टू, ये कैथोड है और ये एनोड है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। तो यहाँ मैंने, हालांकि उसने क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा था कि जब रिचार्ज होता है तो बताइए, लेकिन मैंने आंसर में पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया। देखो, रिएक्शंस व्हेन बैटरी सप्लाई करंट, तो जब बैटरी आपको करंट देती है, मतलब वो खुद डिस्चार्ज हो रही है, आपको करंट दे रही है तो खुद डिस्चार्ज होगी ना, तो जब वो खुद डिस्चार्ज होती है तो क्या होता है। देखो, अब ये ना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताई थी बात कि लेड की प्लस टू स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है प्लस फोर से, ठीक है ना। तो अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है तो क्या होगा, लेड तो यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, यहाँ लेड जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडाइज होके वो या तो प्लस टू बनेगा या प्लस फोर बनेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ना उसका। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि लेड की प्लस टू ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए आपको ऑक्सीडेशन क्या कर देनी है, लेड बिकम्स लेड टू प्लस, ये एनोड की रिएक्शन हो गई, बस इतना सा। उसके बाद अगर आप ये याद करके चलते हो तो ये ठीक बात नहीं है, इसको अब आपको बैलेंस करना आना चाहिए। कोड क्या होता है, ए ओ एच सी, आओ हॉलीवुड चले, ठीक है। तो ए का मतलब, अब ये कोड कॉड फॉलो करके इसको हम बैलेंस करेंगे। ए का मतलब होता है एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो कि लेड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ओ ऑक्सीजन है ही नहीं इसमें, एच हाइड्रोजन है ही नहीं, सी चार्ज, चार्ज हम बैलेंस करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं यहाँ दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब आप बोलोगे यहाँ तो भाई कुछ और ही लिखा हुआ है, वो यहाँ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि देखो हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सल्फेट आयन इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है आपके, अगर सल्फेट आयन इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है तो इसको लेड को लेड सल्फेट लिखेंगे हम, ठीक है ना, इसको आयनिक फॉर्म में नहीं लिखना इक्वेशन को। तो क्या करेंगे हम, दोनों तरफ सल्फेट सल्फेट ऐड कर दो, कर ही सकता हूँ मैं ऐड, ऑलरेडी वो रिएक्शन वेसल में है सल्फेट, मैं बस यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, अपनी इक्वेशन में मैंने यहाँ भी सल्फेट ऐड कर दिया और यहाँ भी सल्फेट ऐड कर दिया, ठीक है। अब तो ये बन गई ना रिएक्शन, देखो लेड प्लस सल्फेट, इन इसको मिला के मैंने क्या लिख दिया, लेड सल्फेट लिख दिया प्लस टू इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये रिएक्शन बन गई, याद क्या रखना है इसमें, मेमोरी पे तो कोई जोर डालने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड लेड होता है, कैथोड में लेड प्लस लेड डाइऑक्साइड होता है और इलेक्ट्रोलाइट 38% H2SO4 होता है। इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपके दिमाग में है तो आपको ये बनाना आना चाहिए, ये बात क्लियर है। अब देखो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब कैथोड पे है क्या, लेड डाइऑक्साइड है, पीबी ओ टू है कैथोड पे। अब इसकी अगर रिडक्शन होगी, यहाँ पे पी बी ओ टू में लेड प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, अगर इसकी रिडक्शन होनी है तो ये कहाँ जाएगा, प्लस टू में जाएगा क्योंकि प्लस टू ज़्यादा स्टेबल होता है उसका, समझ में आई बात है। तो पी बी ओ टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पी बी टू प्लस में, ये बात समझ में आ रही है ना, प्लस फोर से प्लस टू, बस इतनी सी बात। अब इसको मैं बैलेंस करूँगा, कोड है ए ओ एच सी, ए है लेड के लिए, एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। फिर हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं यूजिंग वाटर, इधर कितने ऑक्सीजन है, दो, रिएक्टेंट साइड में दो हैं तो प्रोडक्ट साइड में दो वाटर डाल लेंगे, लो जी डाल दिए। नेक्स्ट बैलेंस करना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं यूजिंग एच प्लस, तो प्रोडक्ट साइड में चार हाइड्रोजन है तो रिएक्टेंट साइड में फोर
एच प्लस डाल लिए, एच बैलेंस। अब मैं बैलेंस करूँगा चार्ज, रिएक्टेंट साइड में चार्ज है प्लस फोर। ये लेड के ऊपर जो प्लस फोर लिखा है वो मत काउंट कर लेना, वो तो ऑक्सीडेशन नंबर है, चार्ज नहीं है, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में चार्ज कितना है प्लस फोर, प्रोडक्ट साइड में चार्ज कितना है प्लस टू। तो इसलिए मुझे दो इलेक्ट्रॉन कहाँ डालने पड़ेंगे, रिएक्टेंट साइड में, ठीक है। अब फिर से लेड टू प्लस को लेड टू प्लस नहीं छोड़ना, क्योंकि सल्फेट प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट में, तो ये लेड सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ भी सल्फेट डाल लिया रिएक्टेंट में, सॉरी प्रोडक्ट साइड में सल्फेट डाल लिया और रिएक्टेंट साइड में भी सल्फेट डाल लिया। तो देखो बन गया ये लेड प्लस सल्फेट, लेड सल्फेट ये लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, टू एच टू ये रहा, दो इलेक्ट्रॉन ये रहे ये वाले, फोर एच प्लस ये रहा, सल्फेट ये रहा, पी बी ओ टू ये रहा। क्लियर है ये बात? तो ये मेरी कैथोड की रिएक्शन होगी जो मैंने बिल्कुल याद नहीं करी, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, अब ओवरऑल रिएक्शन मैंने इनको ऐड कर दिया दोनों को, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इससे कट गए, बस इन दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐड क्या किया देखो, ये रहा लेड, यहाँ लेड लिख दिया, पी बी ओ टू ये रहा, यहाँ पी बी ओ टू लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये दो सल्फेट हो गए ना ये, और ये चार एच प्लस हो गए, ये सारे मिलके टू एच टू एस ओ फोर लिख दिया, ठीक है बात है। दो सल्फेट ये रहे, चार एच प्लस ये रहे, ठीक है। इनको ऐड करके मैंने टू एच टू एस ओ फोर लिख दिया। उसके बाद दिस प्लस दिस, दो लेड सल्फेट हो गए और ये दो वाटर, ये आ गई मेरी नेट इक्वेशन। तो ये रिएक्शन कब होती है, जब बैटरी आपको करंट दे रही है, डिस्चार्ज हो रही है। जब बैटरी को चार्ज करोगे तो क्या होगा, इससे उल्टी रिएक्शन, कुछ भी नहीं करना, इस रिएक्शन का रिवर्स हो जाएगा, बस खत्म बात, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात ये? तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इसमें मेमोरी का यूज है, थोड़ा सा है बस, कि कैथोड पे लेड है, एनोड पे लेड प्लस एनोड पे लेड है, कैथोड पे लेड प्लस लेड डाइऑक्साइड है। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इतनी सी बात याद है ना कि लेड की 2 प्लस स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है, तो अगर ऑक्सीडेशन होनी है लेड प्लस 4 में, तो ऑक्सीडाइज होने से रहा, प्लस 4 तो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट होती है लेड की, तो ऑक्सीडाइज तो जीरो वाला ही होगा ना, जीरो से प्लस 2, इसलिए एनोड पे लेड है। समझ में आ रही? मतलब कुछ भी नहीं याद रखने की जरूरत अगर आपका लॉजिक इतना स्ट्रांग है तो। ये बात क्लियर हो रही है? तो ऑन रिचार्जिंग द बैटरी रिएक्शन इज रिवर्स्ड एंड PbSO4 ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड टू लेड एंड लेड डाइऑक्साइड रिस्पेक्टिवली। तो अभी क्या हो रहा था, PbSO4 बन रहा था, देखो एनोड पे भी PbSO4 बन रहा था, कैथोड पे भी PbSO4 बन रहा था। अब PbSO4 कंज्यूम होगा और लेड डाइऑक्साइड बनेंगे, मतलब रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन। सिंपल है ये, कर लोगे याद? नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट टू मटीरियल्स अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स इन फ्यूल सेल, मीथेनॉल और मीथेन। ये आपको याद करना है, मीथेनॉल और मीथेन दो और मटीरियल्स हैं जिसको आप फ्यूल सेल में यूज कर सकते हो हाइड्रोजन के अलावा। नेक्स्ट, ये फॉसिल फ्यूल नहीं है, फ्यूल सेल में फॉसिल फ्यूल नहीं यूज करते हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एनवेजाइज्ड एज सेटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एनवेजाइज मतलब कल्पना करना, मतलब कैसे उसको सोच सकते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ऐसा कैसे बता सकते हो आप, ठीक है। क्यों बता सकते हैं, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन होगी वहाँ पे देखो, और अपने आप होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, अपने आप होती है एक रिएक्शन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है जो अपने आप होती है, या आप रस्टिंग के लिए कुछ बाहर से मैकेनिक बुलाते हो तो अपने आप ही रस्टिंग हो जाती है ना। तो देखो कैसे इसका मैकेनिज्म समझते हैं रस्टिंग का। ये आयरन का एक ऑब्जेक्ट है, इसके एक पर्टिकुलर स्पॉट पे, मान लो इस जगह पे अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट बिहेव्स एज एनोड,
ये पर्टिकुलर स्पॉट क्या करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा और यहाँ क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो आयरन आयरन टू प्लस में बदल जाएगा। तो ये रिएक्शन आप बैलेंस अप कर सकते हो, आयरन आयरन टू प्लस में बदल गया, चार इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए यहाँ पे, ठीक है, हो गया ऑक्सीडाइज। फिर क्या है, थ्रू द मेटल इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड ट्रेवल टू अनदर स्पॉट विच एक्ट्स एट एज कैथोड। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो वो ट्रैवल, अब पूरा का पूरा आयरन तो कंडक्ट कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके कहीं और पहुँच गए, मान लो यहाँ पहुँच गए, ये वाला स्पॉट क्या क्या काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। कैथोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन की रिडक्शन हो जाएगी, ऑक्सीजन यहाँ पे जीरो ऑक्सीजन स्टेट में, यहाँ पे माइनस टू में, ऑक्सीजन जब भी रिड्यूस होता है तो वाटर बनता है, जीरो से माइनस टू, ये रिएक्शन बैलेंस कर लोगे, मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए किसी और स्पॉट पे, वहाँ पे हवा में ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन को वो रिड्यूस करके वाटर बना देगा, कैसे, ऑक्सीजन को वाटर बना दिया लो, अब मैं बैलेंस करूँगा, कोड क्या, ए ओ एच सी। अब यहाँ पे ए इज ऑक्सीजन, एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यहाँ पे वो ऑक्सीजन ही है, ठीक है ना, तो रिएक्टेंट साइड में दो है तो प्रोडक्ट साइड में, यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर लिया, वो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, प्रोडक्ट साइड में चार हाइड्रोजन है तो रिएक्टेंट में चार एच प्लस डाल लिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ चार इलेक्ट्रॉन भी डालने पड़ेंगे, लो जी होगी बैलेंस, आ गई ना इक्वेशन। फिर क्या है, ये एच प्लस कहाँ से आता है, एच प्लस आयन्स आर अवेलेबल फ्रॉम कार्बोनिक एसिड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सी ओ टू इन वाटर। तो यहाँ पे पानी भी होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, और वाटर में क्योंकि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वो कार्बोनिक एसिड बना लेता है, ठीक है ना, सी ओ टू प्लस वाटर क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है, जो कि कोका कोला में होता है, सोडा की बॉटल्स में ही होता है ना, तो कार्बोनिक एसिड से एच प्लस आ जाता है, इसलिए आयरन की रस्टिंग के लिए वाटर भी चाहिए, ठीक है ना, एसिड तो हवा से ही ले लेता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन भी चाहिए, देखो एयर होगी तभी तो ऑक्सीडाइज होगा वो, होगी यहाँ पे रिडक्शन, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दिया, देखो चार इलेक्ट्रॉन से कट गए, टू एफ ई एरा, ओ टू एरा, फोर एच प्लस एरे, और एफ ई एरा, दो वाटर, तो जी नेट रिएक्शन आ गई, तो ये होगी। फिर क्या है, ये बन गए फेरस आयन, एफ ई टू प्लस को बोलते हैं फेरस, एफ ई थ्री प्लस को बोलते हैं फेरिक। तो फेरस आयन्स आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन टू फेरिक आयन्स, इनकी फिर से ऑक्सीडेशन होके ये फेरिक बन जाते हैं, विच कम्स आउट एज रस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो रस्ट क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसमें आयरन प्लस थ्री में है, दस रस्टिंग ऑफ आयरन इज एनविजाइज्ड एज सेटिंग अप ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इस तरह से क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह इसको हम ट्रीट कर सकते हैं।